हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टाइम हो चुका है 8:33 और आज दिन है संडे का। तो हालत देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि रात को हमने चलाई है गाड़ी। तो रात की कहानी हम आपको बताते हैं क्या क्या हुआ। तो रात हमने 12:30 बजे के करीब ड्यूटी ऑन करी ओला ऊबर दोनों में, और मैं था रात 12 बजे के करीब इंदिरापुरम में। तो इंदिरापुरम में अच्छी ड्यूटी मिल जाती है 62 से इंदिरापुरम से, तो मिल ही जाती है। तो भाई खूब इधर उधर घूमे, नई ड्यूटी मिली, 2 घंटे हो गए, 2 बज गए, 2 बजे तक कोई ड्यूटी नहीं आई। फिर उसके बाद एक ड्यूटी आई इंदिरापुरम से वसुंधरा, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैंने वो एक्सेप्ट करी, मैं कहा भाई चलो आई तो सही। अब वो लेके गया मैं वसुंधरा, ठीक है। फिर वहाँ वसुंधरा खड़ा रहा मैं 4 बजे तक। अब एक मन तो कर रहा था यार तू गाड़ी चलाई क्यों रहा, रात के टाइम क्यों नींद खराब कर रहा अपना, सो जा सुबह के टाइम चली जाए। मैं कहा यार अब रात में सुबह को गाड़ी देनी थी, अब मुझे गाड़ी देनी है भैया को, वो चलाएगा, तो इसलिए मैं कहा चलो रात में चला लेते हैं, वरना रात में चलाने का कोई फायदा है नहीं जाड़ों के टाइमों में, तो क्योंकि लोग बाग बस वो ही जाते हैं बाहर गाड़ी कैब में, जो या तो रेलवे स्टेशन जा रहे हो या एयरपोर्ट जा रहे हो, वरना भाई रजाई में से निकल के कोई बाहर नहीं जाना चाहता रात के टाइम, तो क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है। तो 2-4 बजे के करीब मेरे पास ड्यूटी आई रेलवे स्टेशन की, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। अब रेलवे स्टेशन गया भाई, कोहरा बहुत था रात रोडों पे, मतलब गाजियाबाद में तो नहीं था इतना, लेकिन दिल्ली में घुसते इतना कोहरा था बेतुका। अब आराम आराम से भैया रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर कस्टमर को करा ड्रॉप, फिर पर्ची कटाई वो जो कटती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पिकअप पॉइंट की, मतलब पिकअप चार्जेस जो लगते हैं ड्रॉप चार्जेस वो कटवाई। उसे कटवाने के बाद भाई मैं वहाँ खड़ा रहा 20 मिनट अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर, वहाँ पे ऊबर भी ऑन कर ली थी ओला भी ऑन कर ली थी, दोनों ऑन थी। 20 मिनट खड़े होने के बाद भाई वहाँ नहीं बजी ड्यूटी रेलवे स्टेशन में भी अंदर। अब मैं गया बाहर की तरफ, मैं कहा चलो बाहर को चलो, कभी ये पर्ची वर्ची मांगने लग जा रही है, मशीन में लगा दी इसने पर्ची तो वैसे ही बिल बना देगा 100-150 रुपये का, 70 रुपये का तो बचत भी नहीं हुई होगी। तो वहाँ से निकला, मैंने उसे पर्ची दी नहीं जो टोल काटते हैं रेलवे स्टेशन पे, मैंने ऐसी 50 का नोट दे दिया उसे, उसने 20 रुपये वापस दे दिए, 30 रुपये काट के। 30 रुपये लेते हैं वो टैक्सी वाले से चाहे कितनी देर भी खड़ा था ही अंदर। तो उसे छोड़ने मतलब वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गया सीपी में। सीपी में काफ़ी देर वेट करने के बाद अपना मोबाइल देखता रहा, ठीक है। और फिर मेरे पास बुकिंग आई ललित होटल के पास से ही, एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की। फिर कस्टमर को लेके गया टर्मिनल 2, बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी, बहुत आराम आराम से क्योंकि कोहरा ज़्यादा था। और ये इन सब की वीडियो आप सोच रहे कि इसने बनाई क्यों नहीं वीडियो की जैसे नॉर्मल बनाता है, तो भाई मेरे मोबाइल का जो ना चार्जर हो गया था ख़राब, ये चार्जिंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि लीड जो ना थोड़ी मुड़ गई थी। अब मैंने दूसरी लीड ली है उससे चार्ज कराया, जब आप आके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और अभी अभी वीडियो अपलोड करी है कल की। तो एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मैं भाई एयरपोर्ट से ड्यूटी ऑन करके ही वापस निकल के आ गया T2 से, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम तो वहाँ जाके भीड़ करना बेकार बात है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं बाहर आ गया महिपालपुर, महिपालपुर आने के बाद मैंने गोहम लगाया ओला में और ऊबर में, दोनों में क्रॉसिंग रिपब्लिक का लगाया मैंने इधर का लाल कुएं की तरफ का। तो ओला में ड्यूटी बजी कालकाजी की, मतलब आधा घंटे रुकने के बाद मैंने वो उठा ली। अब उसके बाद जैसे उसे पिकअप करने जा रहा था ऐसे ही बच रहा था 200-300 मीटर दूर ओला वाला पिकअप, उसके तुरंत बाद आ गई भाई तुम्हारी ऊबर में ड्यूटी, वो आ गई हिंडन एयरपोर्ट की गाजियाबाद की। अब मैंने उसे भी क्लिक कर दी, मगर यार ये वाली चाहिए कालकाजी तो नहीं जाना यहाँ से, देने का नहीं यूपी की ड्यूटी सुबह सुबह के टाइम, यहाँ से तो मिल भी
भी जाएगी। तो भाई मैंने कालगजी वाले को उठाया, हिंडन एयरपोर्ट वाले कस्टमर को उठाया ऊबर वाली बुकिंग को, और वो वाली उसने ओला वाले ने खुद ने ही कैंसिल कर दी कुछ देर बाद। तो ओला में ड्यूटी ऑफ करके ऊबर वाली ड्यूटी अपना हिंडन एयरपोर्ट आके हमने ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। ड्रॉप करने के बाद हम निकल आए बाहर हिंडन एयरपोर्ट से, वहाँ से ड्यूटी मिली इंदिरापुरम की, मोहन नगर के आसपास से इंदिरापुरम की ड्यूटी मिली हमें। अब इंदिरापुरम हमने कस्टमर को करा ड्रॉप, दोनों में कर दी मैंने ड्यूटी ऑफ, ओला ऊबर दोनों में ऑफ करके अपना सीएनजी डलवा ली। क्योंकि हमने मैंने रात 12 बजे के करीब, 12 बजे से पहले ही जब गाड़ी खड़ी करी थी खाना पीना खा खू के, तो सीएनजी भरा के फुल करा के खड़ी करी थी। तो अब मैंने सीएनजी डलवाई है इंदिरापुरम में, ठीक है। गाड़ी चली थी हमारी लगभग 120 किलोमीटर रात 12 बजे से और अब तक, और अब टाइम हो चुका है 8:40। और बात कर लेते हैं भाई आज की अर्निंग के बारे में, रात रात की 12 बजे से और अब तक की 8 बजे तक की। तो आप देख सकते हो 483 की अर्निंग हो रही है हमारी ऊबर में, दो बुकिंग करी हमने। अभी दिखेगा ये जो ना थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, थोड़ा रोड खराब है। तो ये रही भाई हमारी बुकिंग, दो बुकिंग करी है 483 तो हो गया हमारा ऊबर में। और ओला की अर्निंग बताते हैं हम आपको, ओला में करी है 3 बुकिंग, ओला में 3 बुकिंग करी है, 649 रुपए का काम इसमें हो रखा है। 5 बुकिंग करी है रात रात में, और हम देखते हैं कितनी अर्निंग हो पाती है। 649 प्लस 483 टोटल काम हुआ है रात रात में 5 बुकिंगों में 1132 रुपये का, ठीक है। 1132 माइनस हमारी गैस है 381 रुपये की, 381 हमें बचे भाई 750 रुपये, 751 रुपये का हमको आज लाभ हुआ। क्योंकि हमने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं, तो कुछ खर्चा अपना भी नहीं है, बस सीएनजी का खर्चा काट के मैंने आपको बताया। 751 रुपये रात रात में बचे 8 घंटे में। तो 8 घंटे कहेंगे ना यार, देखो क्योंकि हम 12 बजे से घर से बाहर हैं, तो 8 घंटे की अर्निंग ही बता पाएंगे इसे। तो भैया आज की अर्निंग हुई हमारी 751 रुपये रात रात की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो शेयर वेयर कर दिया करो यार ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए आपके, फेसबुक ग्रुप हो गए, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।